फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप डेटा रोमिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोटोरोला के डिवाइस में। मेरे पास है मोटो E6, आपको E6S है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इनेबल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूँगा कि इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, मतलब क्यों इनेबल करना चाहिए। क्योंकि आप मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर करते हैं, तो वहाँ पे जो आपका क्या होता है, नेटवर्क अच्छा नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है। और जैसे कि मान लीजिए हरियाणा से, दिल्ली से हरियाणा, पंजाब जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर इसको इनेबल करके रखेंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और आपको मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉल इनकमिंग आउटगोइंग कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे इनेबल करेंगे। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। फर्स्ट नंबर पे नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको मोबाइल फिर से सेकेंड नंबर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से सेकेंड नंबर पे दिखेगा रोमिंग, इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिखेगा ऑल नेटवर्क, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपका जो ऑप्शंस होता है वो खुल जाता है, यानी कि आप यहाँ से डेटा रोमिंग को इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब ये डेटा रोमिंग ऑल पे क्लिक करते ही नेटवर्क ऑन हो गया है। इसी तरीके से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।